जय माता दी फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन मोर स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, दैट इज ग्रैंडफादर एंड द पाइथन। फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइथन दैट मीन्स एक स्नेक है, अजगर है, जिसकी स्टोरी है और ग्रैंडफादर उसको एज ए पैट घर पे लेकर आते हैं। तो उसकी स्टोरी है, तो इसमें जो कैरेक्टर की बात करें तो ये ज़्यादा नहीं है, इसमें नैरेटर हैं एक, जो एक यंग बॉय है, जो उसी के ग्रैंडफादर की बात हो रही है। उसी के ग्रैंडफादर एक पेट को लेकर आते हैं जो पाइथन होता है। उनकी ग्रैंड मदर हैं और एक आंट मेबल हैं, और एक दो कैरेक्टर्स और हैं जैसे कि कुक और गार्डनर का जिक्र होगा इसके अंदर। अब इस स्टोरी में क्या होता है कि ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा, इनके जो ग्रैंडफादर हैं नैरेटर के, उनको आदत होती है कि वो पेट लेकर आते हैं, वो भी अनयूजुअल से, बहुत अजीब व गरीब। लेकिन उनकी ग्रैंड मदर को ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी ग्रैंड मदर ने टॉलरेट कर लिया था बहुत से बर्ड्स और एनिमल्स उनके लाए हुए, बट वो रेप्टाइल्स से तो बिल्कुल ही मना करती थी। रेप्टाइल्स उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं थे, उनको तो देखते ही जैसे वो ठंडी पड़ जाती थी। इवन हाल ये था कि एक बार ग्रैंडफादर एक कैमलियन को लेकर आए थे, तो उसको भी मना कर दिया था ग्रैंड मदर ने। ग्रैंडफादर जो थे उनको पता था कि बहुत कम चांस हैं कि ग्रैंड मदर इस पाइथन को घर में घुसने देंगी। जो पाइथन था वो भी बहुत छोटा था, मतलब यंग था, और उसकी जो लेंथ थी वो 4 फीट थी। ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने वो एक स्नेक चार्मर से लिया था, मतलब जो सपेरे होते हैं उनसे, 6 रुपये में लिया था वो, और घर पे लाने की तैयारी में थे, बाजार के क्राउड को इम्प्रेस करने के लिए, कि मतलब जहाँ से लोगों का आना जाना था तो लोग देखते तो उनको और ज़्यादा सरप्राइज होते, इसलिए उनको अपने शोल्डर में हैंग करके ला रहे थे, कुछ जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। ऐसे उनके ग्रैंडफादर भीड़ के अंदर से उस जो पाइथन था उसको ला रहे थे। ग्रैंड मदर जो थी वो तो जैसे ही ग्रैंडफादर को देखा था वैसे ही फेंट ही होने वाली थी उस पाइथन को देखकर, क्योंकि ग्रैंडफादर ने उसको किस तरीके से अपने शोल्डर्स पे डाला हुआ था, क्योंकि जो पाइथन होता है वो इंसान को कस के फिर उसको मतलब मार देता है। जब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है तो वो मर जाता है। तो उसको जैसे ही ऐसे चारों तरफ लिपटा हुआ पाया ग्रैंड मदर ने, तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने ग्रैंडफादर को कहा कि तुम इसे फटाफट फेंको, तो मतलब तुम ऐसे चीज़ें लाते ही क्यों हो घर पे, एकदम नॉनसेंस चीज़ें हैं। ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं कह पाते हैं, वो इनफैक्ट बस यही कहते हैं कि ये एक यंग फेलो है और हम थोड़े दिनों में इसकी यूज्ड हो जाएंगे, इतना डरने जैसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रैंड मदर कहती हैं, लेकिन यूज टू होने की ज़रूरत कहाँ है, इसको घर में रखो ही मत ना, क्योंकि मुझे तो इसको इसके साथ यूज होने की कोई इंटेंशन नहीं है। तुम्हारी हो तो पता नहीं, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी कज़िन मेबल आने वाली है कल, कुछ हफ्तों वो यहाँ पे रुकेगी, और अगर इस पाइथन को उसने घर पे देख लिया तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी इस घर में। ग्रैंडफादर को तो वो थोड़ी सी नक चढ़ी थी, तो वैसे ही कुछ खास पसंद नहीं थी, तो ग्रैंडफादर ने मजाक बनाया कि वो तो फिर और अच्छी बात है, वो आएगी तो हम उल्टा उसको दिखाएंगे, और इस पाइथन को कि हमें दिखाना चाहिए ताकि वो भाग जाए। अब यहाँ पे जो आंट मेबल थी वो तो आने वाली थी घर में, साथ ही साथ में ग्रैंड मदर को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इस पाइथन को वापस दे आओ जहाँ से तुम लेकर आए हो, मतलब जिससे तुम लेकर आए हो वहाँ पर वापस दे आओ। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि हम इसे गार्डन में नहीं छोड़ सकते, बेचारा इतना इनोसेंट सा है, और मे बी ये पोल्ट्री फार्म में चला जाए, क्योंकि पोल्ट्री हाउस इनके पास में ही होता है जहाँ पे मुर्गी वगैरह रखते हैं, तो उनको खा सकता है ये, तो ये गार्डन में नहीं छोड़ सकते उसको। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे ग्रैंड मदर कहती है तो तुम्हें लाने की ज़रूरत क्या थी, एक काम करो तुम इसे बाथरूम में लॉक करो, उसके बाद में वापस जाओ बाज़ार में, उस पर्सन को ढूँढो जिसे तुमने इसे ख़रीदा है और उसे वापस दे दो। ग्रैंडफादर सोचते हैं कि ठीक है, वो तो ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे कि उनको ये करना ही पड़ रहा था, तो वो पाइथन को लॉक करते हैं बाथरूम में और उसके बाद में वहाँ से जाते हैं बाज़ार में, और पीछे से जो ग्रैंड मदर है वो बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बहुत वरीड भी हैं, वरांडा में चक्कर लगा रही हैं इधर से उधर कि इस स्नेक को कब बाहर निकालें हम।
फिर जैसे ही ग्रैंडफादर वापस आते हैं, उनकी शक्ल देखकर ग्रैंडमदर पहचान जाती हैं कि इनको वो स्नेक चार्मर जो सपेरा था वो नहीं मिला जो जिससे ये स्नेक लेकर आए थे, मतलब ये पाइथन लेकर आए थे, सॉरी। तो अब अगर इनको नहीं मिला तो अब क्या किया जाए? अब ग्रैंडमदर कहती हैं तुम इसे लेकर जाओ, कहीं भी लेकर जाओ, लेकिन इसको घर से बाहर निकालो, हो सके तो इसको जंगल में छोड़ाओ। अब ग्रैंडमदर कहना था कि ग्रैंडफादर कहते हैं ठीक है मैं इसे जंगल में छोड़ाऊँगा, लेकिन इसको बेचारे को भूख लगी होगी, कोई नदी किनारे जो जंगल में नदी है वहाँ मैं छोड़ आऊँगा, लेकिन इसे भूख लगी होगी, हम इसे कुछ खिला देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाथरूम में वो रहता है लॉक्ड, और वो कुछ चिकन वगैरह तैयार करते हैं, लेकर आते हैं ग्रैंडफादर और उसको देने के लिए बाथरूम खोलते हैं। तो यहाँ पे जो नैरेटर हैं वो मतलब एक यंग चाइल्ड हैं, तो वो अपने ग्रैंडफादर के पीछे से झांक के देख रहे होते हैं कि स्नेक वो पाइथन कहाँ है, और उनका कुक और गार्डनर भी बड़े क्यूरियस होते हैं कि हमें भी देखना है, ग्रैंडमदर भी, सब ग्रैंडफादर के पीछे खड़े होते हैं पाइथन कहाँ है ये देखने के लिए। ग्रैंडफादर जैसे ही गेट को खोलते हैं बाथरूम के और वो देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि पाइथन कहीं दिख नहीं रहा, तो उनको लगता है कि पाइथन कहीं चला गया, मे बी उसे भूख लगी होगी और वो भूख कंट्रोल नहीं कर पाया होगा, चला गया होगा। तो नरेटर कहते हैं मैंने भी कहा हाँ मे बी उसे भूख लगी हो। तो बाद में जो ग्रैंडफादर थे उनको फील भी होता है कि हमने विंडो ओपन क्यों छोड़ दी, ओपन नहीं छोड़ते, मे बी वो जाता नहीं, मे बी इस विंडो से बाहर चला गया है, बहुत हमने ढूंढा, घर में ढूंढा, गार्डन में ढूंढा, हर जगह जो स्टेबल होता है, अस्तबल बोलते हैं जहाँ पे घोड़े वगैरह रखते हैं, वहाँ पे गार्डन में, पोल्ट्री शेड में, हर जगह पे हमने ढूंढा, लेकिन हमें पाइथन कहीं नहीं मिला, मे बी वो कहीं और चला गया, ग्रैंडफादर ने कहा। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि हाँ मे बी इसलिए भी चला गया होगा क्योंकि तुम्हारी दादी जी को पसंद नहीं था। तो यहाँ पे दादी जी को रिलीफ दिलाने के लिए मे बी वो अपने आप चला गया, लेकिन अब दादी जी को रिलीफ कम ये भी हो रहा था, एंजाइटी भी हो रही थी कि मे बी वो यहीं कहीं हो, कभी भी सामने आ सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, ऐसा ही मेरे ग्रैंडफादर को और मुझे भी लग रहा था। अब आंट मेबल जो थी वो दूसरे दिन आ जाती हैं, 2-3 वीक्स को रुकने के लिए आई हैं। तो अब क्या होता है कि 2 दिन निकल गए, ग्रैंडफादर और मैं ऐसे सोच रहे थे कि मे बी वो पाइथन चला गया है, उसका आने का कोई चांस नहीं है। बट 3rd day एकदम सडन अपीयरेंस होता है। कैसे पता चलता है? आंट मेबल ऐसे भागती हुई गार्डन से आती हैं, चीखती हुई। तो सोचते हैं ये क्या हुआ, एकदम से इतना चीखना चिल्लाना और हल्ला करना। तो थोड़ी देर बाद में ही ये पता चलता है कि आंट मेबल ने वहाँ पे देखा वो पाइथन, और उसको तो ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो सिर्फ ये बोल पाती है कि वो गुआवा ट्री में है, मतलब अमरूद के पेड़ में है, और मतलब हाफ फ्री है। तो मैं सिर्फ गुआवा देख रही थी, और लेकिन मैंने उसे देखा, वो मेरी तरफ घूर रहा था, और उसकी आई जो थी वो मेरी तरफ ही थी, ऐसे लग रहा था वो तो खा ही जाएगा मुझे, मतलब वो इस तरीके से वो बातें कर रही थी, और वो 20 फीट का था, ऐसे ऐसे कर रही। तो वो ग्रैंडमदर कहती हैं काम डाउन, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, हम उसको ढूंढते हैं, उसे मारेंगे। तो आंट मेबल कहती हैं वो स्नेक जो था, और उसके बारे में बताती हैं कि वो गुआवा ट्री के उधर है, वो बहुत टेरिबल लगा मुझे, और इस तरीके से वो अभी भी काफ़ी डरी हुई थी। जो नरेटर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो देखते हैं एक दूसरे को, और ग्रैंड फादर हैं वो सोचते हैं कि ठीक है अब मैं बाहर जाता हूँ और मैं उसे मार देता हूँ। अब वो अपना अम्ब्रेला उठाते हैं और बाहर जाते हैं गार्डन के अंदर, लेकिन वो जैसे ही गुआवा ट्री के पास में पहुंचते हैं पाइथन वहां से डिसअपीयर रहता है। आंट मेबल तो इतनी डरी हुई हैं कि बस पूछो मत। मैंने हंस के दादाजी को ये कहा कि वो गुआवा ट्री से मे भी पाइथन इसलिए भाग गया होगा क्योंकि आंट मेबल से वो डर गया, क्योंकि जिस हिसाब से वो चीख चिल्ला रही थी तो पाइथन से उससे डरना, मतलब आंट मेबल को उससे नहीं डरना चाहिए था, आंट मेबल से वो डर गया। तो ऐसे मतलब नॉटीनेस में वो बोलता है, और उसके बाद में ग्रैंडफादर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको भी हंसी आ रही थी अंदर ही अंदर, मतलब वो भी मजाक के मूड में थे।
तो उस इंसिडेंट के बाद में तो मतलब पायथन बहुत बार देखा गया, बहुत मतलब कभी कहीं अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस पे वो मिल जाता था कई बार। आंट मेबल को तो मतलब दूसरी बार ये जो धक्का तब लगा जब वो एकदम सोफे के ऊपर क्वेश्चन पे उसको देखती है, मतलब जो पिलो होते हैं उसके ऊपर बैठा रहता है पायथन, और आंट मेबल की नज़र वहाँ पे जाती है। तो बस उस दिन तो उसने फाइनल कर लिया कि मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है, वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, पायथन जो है था वो ड्रेसिंग टेबल के पास में कर्ल हुआ बैठा होता है। तो हमने उसे देखा कि मतलब किस तरीके से ये अपनी शक्ल जो है वो रिफ्लेक्शन मिरर में निहार रहा है। मैं ग्रैंडफादर के पास में गया और हम वापस आए तो पायथन जो था वो वहाँ से मूव कर गया था, वो हमें नहीं मिला। लेकिन कुछ देर बाद में वो गार्डन में दिखा और उसके बाद में कुछ टाइम बाद में वापस से ड्रेसिंग टेबल पे वापस से अब मिरर में खुद को एडमायर कर रहा था। मतलब यहाँ पे एज ए पर्सन उसे बताया है कि वो भी अपनी शक्ल को देखकर इतना खुश हो रहा था, खुद को एडमायर कर रहा था अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर। ग्रैंडफादर ने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली थी कि उसको जो मतलब बहुत बार वो आता है मिरर के पास में, तो अब वो उसे इजीली पकड़ सकता है। तो अब वो सोचते हैं कि मतलब आंट मेबल तो यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो ग्रैंड मदर हैं वो सब ये चाहते हैं कि वो इस घर से चला जाए पायथन। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो तैयारी में लग जाते हैं कि इसे कैसे पकड़ना चाहिए। अब ग्रैंडफादर जो होते हैं उनको ये पता चल गया कि इजी है, वो मिरर के पास ज़्यादा आता है ड्रेसिंग टेबल पे, तो हम उसे वहाँ से पकड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके ग्रैंडफादर एक बड़ा सा केज प्रिपेयर करते हैं और उस केज के एक साइड में मिरर लगवाते हैं, क्योंकि जैसा कि उनका आइडिया था कि वो मिरर के पास आता है तो वो एडमायर करने के लिए खुद को मिरर के पास आएगा। अब केज को अंदर जो जूसी चिकन और भी अदर अच्छी अच्छी चीज़ें हमने रखी थी ताकि उसको खाने के लिए वो आए, उसके बाद में उसका डोर हमने खुला छोड़ दिया। अब क्या था कि हमें वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, पायथन वहाँ पे आता और हम उसे पकड़ते। हमने कुछ दिनों तक इंतज़ार किया, लेकिन हमने वो केज तो रख दिया था लेकिन वहाँ पे उस ट्रैप में आ नहीं रहा था वो पायथन जो था। हमें लगा कि अब मे बी वो नहीं भी आए, लेकिन एक दिन मैं स्कूल जा रहा था तो मैंने देखा कि उसमें पायथन जो था वो केज के अंदर कर्ल होकर बैठा हुआ था। तो वहाँ पे क्या था कि सारा कुछ उसने जो उसके लिए रखा था वो उसने खाया और वहाँ पे रिलैक्स कर रहा मिरर के सामने। अब वो अपने ही देखकर स्माइल कर रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि वाओ, वो खुद को ही एडमायर कर रहा है। उसने सोचा कि मैं क्यों ना ट्रैप डोर को बंद कर दूं, तो उसने धीरे से नरेटर ने उस ट्रैप डोर को बंद भी कर दिया। लेकिन पायथन महाराज कहाँ देखने वाले थे, उन्होंने तो नोटिस भी नहीं किया, वो तो सिर्फ खुद को खुद की रिफ्लेक्शन को देखकर इतने खुश हो रहे थे कि वाह मैं कितना हैंडसम हूँ। तो ग्रैंडफादर जो थे उनको बुलाया गया, गार्डनर आया और उस केज को अब मतलब उनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि अब वो जो केज को लेकर रिवर बेड तक जाने वाले थे, नदी किनारे तक जहाँ पे उनको वो पायथन छोड़ के आना था। वहाँ पे पहुँचने के बाद में उन्होंने उस केज को जंगल में छोड़ भी दिया और उसका जो दरवाज़ा था केज का वो खुला भी कर दिया, लेकिन पहली बार दादाजी ने ऐसा देखा कि वो पायथन बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। मतलब कोई भी एनिमल होता है उसको केज में रखोगे, जब खोलोगे तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन ग्रैंडफादर ने देखा कि वो घर पे आके ऐसे बताते हैं कि उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, वो तो बस खुद को मिरर में देखे जा रहा था। और मैंने पहली बार मेरी लाइफ में ऐसे देखा कि जो स्नेक था वो खुद के ही प्यार में पड़ा हुआ था, मतलब वो खुद को इतना एडमायर करने में बिजी था। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।